हेलो फ्रेंड, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं टेक्नो हेमंत। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने रेड बस मोबाइल एप्लीकेशन से बस को बुक किया हुआ है और यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ जर्नी है उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा कि आप किस तरह से यहाँ पर डेट ऑफ जर्नी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि रेड बस मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है रेड बस मोबाइल एप्लीकेशन, तो इस पर मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ तो जो भी आपकी बुकिंग होगी वो यहाँ पर आपका दिख जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी देख सकते हैं कि 22 तारीख को संडे को मुझे जाना है झांसी से ग्वालियर। ठीक है, अब ये दिया हुआ तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है चेंज ट्रेवल डेट, जो भी आपकी ट्रेवल डेट है उसको चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो शेड्यूल्ड है वो है 22 मई को, अब मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर चेंज पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि यू आर चेंजिंग ट्रेवल डेट द फॉलोइंग पैसेंजर। ठीक है, तो ये फॉलोइंग पैसेंजर दिया हुआ है और यहाँ पर डेट चेंज चार्जेस जीरो, मतलब कि यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा अगर आप डेट चेंज करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर आपने एक बार डेट को चेंज कर दिया तो उसके बाद आप डेट को चेंज नहीं कर पाएंगे और उसके साथ ही अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका नोट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है जब आपको ट्रेवल करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने 23 तारीख कर दिया क्योंकि अभी 22 का शेड्यूल है, मैं चाहता हूँ 23 को जाना, तो नीचे डन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि 23 कर दिया और यहाँ पर नीचे सर्च बसेस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो उस समय जितने भी बसेस होंगे वो आ जाएंगे। देख सकते हैं कि ये एक बस है तो वो आ चुकी है, तो इस पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने सेलेक्ट कर लिया तो इसमें जितनी भी सीट्स खाली होंगी वो दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जितना व्हाइट दिख रहा है ये सब अभी खाली सीट है और जिस तरह का ये दिया हुआ ये ऑक्यूपाइड सीट है। ठीक है, तो जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने ये सीट सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर डन पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पे करना है 25 रुपीज़ ओनली। ठीक है, यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर आप चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेस फेयर है वो 499 रुपीज़ है, यहाँ पर आपको GST लगेगा 24.95 रुपीज़ और अमाउंट अवेलेबल फॉर बुकिंग यहाँ पर इतना 498.75 रुपीज़, जो भी आपकी लास्ट बुकिंग थी उसमें 498.75 रुपीज़ की बुकिंग थी तो उतना इसमें कट जाएगा और जितना भी इसका बढ़ा हुआ रुपया है जैसे कि 25 रुपये 20 पैसा बढ़ के लगा तो केवल आपको 25 रुपये 20 पैसा ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं और जो आपकी बुकिंग है वो कंफर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे टिकट कैंसिल नहीं करना है, मुझे चेंज नहीं करना, लेकिन मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है कि आप किस तरह से जो डेट ऑफ जर्नी है उसको चेंज कर सकते हैं। आपको केवल उतना ही अमाउंट पे करना होगा जो कि आपकी नई बस है उसका फेयर जितना ज़्यादा होगा केवल उतना ही पे करना होगा, बल्कि डेट चेंज का आपको जो चार्जेस है या फीस है वो आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर डेट चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।